हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर पैची और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। सबसे पहले अगर आपको हेल्थ की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे हेल्थ वाले चैनल को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसमें हेल्थ रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ। और ऑफकोर्स अगर आप लोगों को वो वाला चैनल भी पसंद आता है तो उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बैक टू द वीडियो। जैसे कि आपको हैंडल से भी पता चल गया होगा, मेरे गेटअप से भी, आज फिर से लेके आई हूँ मैं एक और साड़ी लुक बुक। ये लास्ट वाली साड़ी के लुक बुक पे जो साड़ी वाली मैंने वीडियो बनाई थी उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। नॉट व्यूज वाइज, ऑफकोर्स मेरा चैनल नया है तो व्यूज उतने नहीं, लेकिन जितने भी लोगों ने वो देखा वो उसे पसंद किया और उसकी तारीफ की तो बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने इवन रिक्वेस्ट भी की आगे वीडियोस बनाने के लिए, तो यार ऑफकोर्स नंबर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप लोगों के प्यार से। और आप लोग जब तारीफ करते हैं तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। बैक टू द वीडियो। मेरे पहले वाली वीडियो पे मराठी स्टाइल साड़ी की रिक्वेस्ट काफ़ी आई है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बता दूं कि आई एम सो सॉरी, मैं वो वाली अभी नहीं कर सकती हूँ ड्रेपिंग एंड वो, क्योंकि मेरे पास अभी साड़ी नहीं है जिससे कि मैं मराठी साड़ी स्टाइल कर सकूं, क्योंकि मैं लॉकडाउन में अपने यहाँ पे फंसी हुई हूँ। और अगर साड़ी लेनी है तो मुझे अपने घर पे जाना होगा, अपनी मॉम की साड़ी ही लेनी होगी, जो कि अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आई एम सो सॉरी अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट फिलहाल एक दो महीना अगर कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ जैसे ये सब खत्म होता है और मैं घर जाती हूँ तो मैं डेफिनेटली साड़ी लेके आऊंगी और इवन और साड़ियाँ लेके आऊंगी जिससे कि मैं और ज़्यादा साड़ीज पे वीडियोस बना पाऊँ। आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रिल साड़ी 2020 में बहुत ज़्यादा फैशन में है, इवन 2019 में भी थी। दुपट्टा फ्रिल वाला हो, साड़ी फ्रिल वाली हो, या फिर आपका लहंगा फ्रिल वाला हो, फ्रिल्स ना बहुत ज़्यादा 2019 और 20 में बहुत ज़्यादा फैशन में थे। और यार मैंने भी ये वाली साड़ी मिंत्रा से मंगाई थी, चीपी थी, मेरे को तो एग्जैक्ट याद नहीं है कितने में थी, उसका मैं प्राइस टैग यहाँ पे लगा दूंगी, बट 1500 या 1600 या उससे भी कम की थी। और ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है। मेरे घर में जैन में तीन या चार शादियाँ थी तो तब मैंने सोचा था कि मैं पहनूंगी, बट ठंड की वजह से मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि इसका ब्लाउज आप लोग देख सकते हैं कि इतनी पतली पट्टी का है कि मैं ठंड की वजह से नहीं पहन पाई। स्टिल मेरे को लगा कि नहीं यार अभी मेरे पास रखी है तो मुझे फ्रिल वाली साड़ी का आप लोगों को वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि फ्रिल वाली साड़ी ऑफकोर्स फैशन में भी है एंड बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत गर्लिश है, बहुत ही सेक्सी भी लगती है। सो आई थिंक स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट लुक। फर्स्ट लुक मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, सिंपल वाला ही रखा है। आपको सिंपल जैसे साड़ी की ड्रेपिंग होती है वो करनी है, और इस तरह से आपको साइड से ये लॉन्ग में लेकर आना है, पल्ला नीचे से लेकर आना है जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। तो मुझे बहुत लो जाके जो पल्ला आता है फ्रिल में वो पसंद है, लेकिन अगर आप लोग अपना ये पीछे से जो पल्ला है वो ऑफकोर्स उसकी वजह से छोटा हो जाता है, अगर आपको लंबा चाहिए तो आप साइड से उसे थोड़ा ऊंचा भी रख सकते हैं। मतलब इट्स टोटली योर विश कि आपको किस तरह से उसे रखना है, किस तरह से आपको देखना है, बट मुझे ये इस तरह से पसंद है तो यप इसलिए मैं इसे इस तरह से ही रखती हूँ। फ्रिल वाली साड़ी में तो बहुत लो वाला अच्छा भी लगता है, तो आप ट्राई कीजिए कि इसे ऐसे ही रखें, ये आगे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ओके, सो दिस इज़ माई सेकेंड लुक। तो
इसमें आपको नॉर्मली क्या करना है कि आपको पल्ला इस तरह से ले जाके जिस साइड से आपकी प्लीट्स हैं उसी साइड पे ही रखना है, जैसे कि मैंने इसे रखा है। आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरफ उसी साइड पे आपको इस तरह से घुमा के अपोजिट साइड नहीं रखना। सो इस बात का ध्यान रखिएगा तो ये वाला लुक ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आपको जो सिंपल क्या करना है कि इस तरह से आपको ये कंधे पे आपको पल्ला रखना है और इस तरह से ले जाके इसका एक कोना ले जाके आपको पीछे क्या करना है कि वहाँ पे पिन अच्छे से एडजस्ट करके इसका फ्रिल आप अच्छे से देख के वहाँ पे पीछे की साइड आपको क्या करना है कि पिन लगा लेना है, अच्छे से सिक्योर करना पीछे पिन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंड टडा, दैट्स इट फॉर द सेकंड लुक। आई मीन दिस इज सो मॉडर्न। और ये मैंने एक रनवे पे देखा था तो ये काइंड ऑफ क्या हो जाता है, जैसे आप स्कार्फ नहीं पहनते हैं तो उस टाइप का हो जाता है। और जब आपको चाहिए कि आपको मॉडर्न दिखना है और आपको फ्री भी रहना है सेम टाइम पे, आपको जैसे शादी वादी में जाते हो साड़ी नहीं संभाली जाती जिन लोगों पे है, उनके लिए ये वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यार मुझे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, जो फ्रिल वाली साड़ी में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो हमारा थर्ड लुक अगेन फिर से बहुत मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटिंग है। तो इस तरह से आपको जस्ट नॉर्मली क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हैं अच्छे से, मतलब साड़ी को सिक्योर कीजिए इस तरह से, पल्ला लेके अच्छे से मतलब उसको पीछे से दबा के लाइएगा ताकि आपका पीछे का फिगर काफ़ी अच्छा लगे, क्योंकि ऊपर का थोड़ा मैसी होने वाला है तो ये पीछे का फिगर जो है आपका काफ़ी अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से आपको एकदम फिटिंग में लेना है और सिक्योर कर लीजिए इसको ताकि वो फिर आपका ढीली ना हो आपकी साड़ी। तो जैसे मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ, आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको पिन लगाना है और इस तरह से साइड से पल्ला लेके और जस्ट क्या करना है कि पीछे से फिर अगेन ये तो अपनी नेक पे लपेट लेना है। एंड फिर इस तरह से लाके आपको करना है कोई भी चौड़ी बेल्ट, यहाँ पे चौड़ी ही बेल्ट चलेगी, वाइड बेल्ट होनी चाहिए, पतली होगी तो वो लुक नहीं आएगा जो कि मैं यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी कोई भी चौड़ी वाली बेल्ट आप यहाँ पे यूज़ कीजिए और इस तरह से ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे आप उसको बांध दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्रेस के नीचे ही आपको बांधना है, अगर उससे नीचे अगर आप बांधेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यप, इस तरह से आपको बांधना है। एंड यप, दैट्स इट। आई मीन सो सिंपल, और यू कैन लुक यार कितना खूबसूरत लग रहा है। आई मीन आई नो हो सकता है कि कुछ लोगों के इट्स नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बिलीव मी अगर यार एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपनी साड़ी के साथ में और आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। ये मैं पर्सनली खुद ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये कर रही हूँ, ये बाहर भी बहुत अच्छा लगता है। यू कैन लुक ये पीछे से भी बहुत अच्छा लगता है, पीछे से जो इसका लुक आता है ऊपर से वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ 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 एक बार ये वाला लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मॉडर्न लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। सो या ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ लुक। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जैसे लहंगा साड़ी में आप लोग
प्लीट्स बनाते हैं, ऐसे आपको बनाने हैं। देखिए एक साइड से दूसरी साइड इस तरह से प्लीट्स लाके आपको उसे अंदर की साइड टक करना है। ऑफ मेरा ब्लाउज। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखना है कि आपको चौड़ी प्लीट्स बनानी है, पतली प्लीट्स नहीं बनानी। तो पतले प्लीट्स में क्या होगा कि आपकी साड़ी की लेंथ भी कम हो जाएगी और वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं कैमरे के सामने थी तो इसलिए मुझे पता नहीं चला, थोड़ी पतली प्लीट्स हो गई, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एक साइड से दूसरी साइड में चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बना के आपको इस तरह से ये आगे से इसका लुक आएगा एकदम से जैसे लहंगा हो, ठीक है। और पीछे से आपको जस्ट क्या करना है कि पीछे से घुमा के ऑफकोर्स उसे सिक्योर कर लीजिएगा, से घुमा के इस तरीके से ध्यान से देखिए। आपको एक फ्रिल के ऊपर दूसरी फ्रिल लानी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो दबा लीजिए, अंदर टक कर लीजिए। सो बेसिकली ये क्या है कि जो 70s के हीरोइने नहीं होते थे उनमें जो मुमताज स्टाइल जिसे बोला जाता था, तो वो है ये बेसिकली। वहाँ पे बॉर्डर के साथ में वो लोग ऐसे बनाते थे। यहाँ पे मैंने सोचा कि ऑफकोर्स वो शायद से फ्रिल वाली में अच्छा लगेगा एंड मतलब मुझे तो ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ रियली लुकिंग नाइस और ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है लुक। टॉल जो लड़कियां हैं, लंबी जो लड़कियां हैं, उन पे ऑफकोर्स ये वाला बहुत अच्छा लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि शॉर्ट लड़कियां इसे ट्राई नहीं कर सकती, डेफिनेटली ट्राई कर सकती, एकदम डिफरेंट है। एंड यार आप कहीं पे भी जाएंगे तो सब लोग तारीफ करेंगे क्योंकि फ्रिल का जो लुक है यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ओके, सो मूव ऑन टू आवर फिफ्थ लुक जो हमारे पहले ही लुक से इंस्पायर है ऑफकोर्स। तो कई लोगों को क्या होता है कि वो बॉडी हगिंग साड़ी पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते या वो नहीं पहनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये लुक है। तो आपको जो सिंपल क्या करना है कि उस तरह से ही फ्रिल एक दूसरे के ऊपर लेके आनी है और पल्ला इस तरह से खुला रखना है। तो उससे क्या होगा कि साड़ी बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग भी नहीं होगी और वो जो लुक मैं देना चाह रही थी फ्रिल के ऊपर फ्रिल, वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पूरे में आपको दिख रहा है कि ये फ्रिल के ऊपर फ्रिल आना एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा यार यहाँ पे क्या है कि मैं मेरे सामने है तो ऑफकोर्स मिरर नहीं था, मैं कैमरे के सामने इसे मतलब बांध देती थी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये मैसी लग रहा हो, लेकिन आप जब क्लीनली ये करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। एंड यू कैन सी यार नीचे से जो लहंगा वाला जो लुक आ रहा है वो कितना 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 ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या जिनको बॉडी हगिंग साड़ी नहीं रखनी वो इस तरह से भी रख सकते हैं। वीडियो एक्चुअली मैं एंड पार्ट शूट करना भूल गई और मैंने अपनी साड़ी उतार दी और दैट्स व्हाई ऐसे ओके। तो मुझे लगा कि वो साड़ी पहनने से बेटर है कि मैं ऐसे ही शूट कर लूं। ओके, सो यार मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं भी कोई साड़ी ट्रैपिंग में कोई बहुत प्रो नहीं हूँ, मैं भी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ और जो भी सीख रही हूँ आप लोगों से शेयर करना कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक देना, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्या कमियाँ हैं क्या अच्छाई है। तो यप आप कुछ भी अगर आपको लगता है कि सुधारने की जरूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो
या इन द लास्ट यू जस्ट नो दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, तो ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट वर्थ है और मेरी मेहनत वर्थ करती है आपका एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज कर देना. यप, वेलकम नेक्स्ट वीडियो में, बाय.